हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हास्य नाटिका सफेद हाथी की चोरी। ये है मार्क ट्वेन की कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कौन? मैं। ओ, आप तशरीफ लाइए। आपके चीफ जासूस दबंग से मिलना चाहता हूँ। ओ, मैं ही दबंग हूँ, मगर इस वक्त मेरे सोने का वक्त हो चुका है। लेकिन साहब देखिए, मैं आप बहुत उलझन में हैं। जी, पूरा हाल शुरू से आखिर तक एक सांस में बता जाइए। जी, मैं महाराजा खाकान का एक खास दरबारी हूँ। महाराजा के इकलौते सफेद हाथी को सैर करवाने के लिए कश्मीर ले जा रहा था। रात भर आराम करने के लिए यहाँ पड़ाव डाला था। सुबह देखा पंछी पिंजरे से गायब था। पंछी? माफ कीजिएगा, मैंने मुहावरा बोला था, मेरा मतलब था हाथी गायब था। बस इतनी सी बात? हो सकता है आपके लिए ये मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी मौत का सवाल है जनाब। फिक्र न कीजिए, आपका हाथी आपको मिल जाएगा। सच? आप इस वक्त इस देश के सबसे बड़े जासूस दबंग के मजबूत हाथों और तेज तरीन दिमाग के पहुंच में हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन खर्चा काफी होगा? जितना भी हो, मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भी किसी कीमत पर हाथी पाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। लड़के। यस सर। कुछ नहीं, बस तैयार रहो, मैं केस शुरू कर रहा हूँ। यस सर। जाओ। हाँ तो साहब, सबसे पहले गुमशुदा माल की रिपोर्ट लिखवाइए। जी, लिखिए। माल जो गुम हुआ? हाथी, एक अदद, निस्फ जिसका होता है आधा हाथी। नाम? जंबो। बाप का नाम? अंबो। माँ का नाम? हाथी ने कभी लिया नहीं। पैदाइश? खाकान के जंगल। माँ बाप की रिहाइश? दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं जनाब। और कोई भाई बहन? जी कोई नहीं। अब जरा हुलिया बता दीजिए, हाथी का रंग? सफेद। सफेद, बल्कि मटियाला सफेद। मटियाला सफेद। कद? कद 9.5 फुट। लंबाई? धड़ 11.5 फुट और सूंड 6 फुट। 6 फुट। दुम 5.5 फुट। सब मिलाकर दुम के सिरे से सूंड के सिरे तक कोई 23 फुट। 23 फुट। जी। चौड़ाई? चौड़ाई? मगर साहब वो तो गोल था। तो डायमीटर बता दीजिए। जी, 16.5 फुट। वजन? खाली पेट 4.5 टन। पेट भर कर तोला तो मशीन ही टूट गई। दांतों की लंबाई? जी, खाने वाले 6 इंच से लेकर 9 इंच लंबे और दिखाने वाले 9.5 फुट लंबे। और कोई खास निशानी? खास निशानी, जेवरात पहनने के लिए कान जगह जगह से छिदे हुए हैं। पिछली बाई टांग से जरा सा लंगड़ाता है। दाएं पांव के तले में छोटा सा तिल है। तिल का रंग? जी काला। साइज? 1.004 मिलीमीटर। मेरा तजुर्बा बताता है कि कई बार मुजरिम अपनी खास आदतों की वजह से जल्दी पकड़ में आ जाता है। जी, आप उसकी किसी खास आदत से वाकिफ हैं? जी हाँ, थिएटर देखना और सूंड में पानी भरकर आसपास खड़े लोगों पर बौछार कर देना। कुछ हास्ता आदमियों पर? जी नहीं, इस मामले में उसने दोस्त और दुश्मन दोनों में कभी फर्क नहीं समझा। उसका मन भाता खाजा क्या है? उसे रेवड़ियां खाने का शौक है, उसे आदमी खाने का शौक है। रेवड़ियों से लेकर आदमी तक वो हर चीज खा जाता है। समझा। एक वक्त में खाली पेट कितने आदमी खा सकता है? कम से कम 5 आदमी, चाहे आदमी खाली पेट हो या भर पेट। और रेवड़ियां? अगर चीनी की गुलाब वाली हो तो कोई 2 टन और अगर गुड़ वाली कड़ाकेदार हो तो कोई 1.25 टन। ठीक, इसकी इन्हीं आदतों की मदद से मैं बहुत जल्दी ही इसे पकड़ लूंगा। लड़के। यस सर। ये सफेद हाथी का पूरा हुलिया और उसकी आदतों और उसके चाल चलन की रिपोर्ट है। अलर्ट सर। फौरन इसकी 50,000 कॉपियां छपाकर सुबह तक सारे मुल्क के कोने कोने में बंटवा दो। वेरी गुड सर। हर जासूस, हर सिपाही, हर बाबू और हर पनवाड़ी के हाथ में इस रिपोर्ट की 1-1 कॉपी हो, समझे? यस सर। और ख्याल रहे, तमाम कार्रवाई बेहद खुफिया रहे। यस सर। जा। हाँ, आपके पास हाथी का कोई फोटो है? जी हाँ, जी हाँ, ये लीजिए। काफी खूबसूरत है। लड़के। यस सर। इस फोटो की भी 50,000 कॉपियां साथ ही? यस सर। जा। हाँ तो साहब, जरा दूसरे मामला तय कर लीजिए। जी, हाथी को ढूंढ निकालने के लिए इनाम कितना रखा जाए? इनाम आप ही बताइए। 25,000 रुपए रख दें।
25,000 रुपए? जी हाँ, हमारा काम करने का ढंग, हमारे काबिल जासूसों की जबरदस्त सूझबूझ और होशियारी के सामने यूं ये रकम बहुत थोड़ी है जनाब, लेकिन फिर भी मैं इतने इनाम से काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे मंजूर है। लड़के? यस सर। तमाम जासूसों को फौरन जगाओ, काले जासूस, मोटे जासूस, खोटे जासूस को चारों दिशाओं में हाथी के पीछे रवाना कर दो। अच्छे जासूस, भोले जासूस, तेज जासूस को तमाम रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, ठेला स्टैंडों और तांगे के अड्डों की निगरानी के लिए सादे लिबास में लगा दो। यस सर। एक्स जासूस, वाई जासूस और 000 जासूस को हर हवाई अड्डे, हर माल गोदाम, हर सिनेमा हॉल और चाट पकौड़ी की हर दुकान पर निगाह रखने के लिए कहो। यस सर। और तमाम काम निहायत खुफिया। यस सर। जाओ। लीजिए साहब, आपका काम खत्म हुआ, अब आप सुबह तशरीफ ले आइए, इनाम के 25,000 और दूसरे खर्चे की रकम साथ लेते आइए और अपना हाथी ले जाइए। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, तशरीफ लाइए। देखिए, आप ही का काम चल रहा है। मेरे तमाम जासूस चारों तरफ हाथी के आगे पीछे घूम रहे हैं, मिनट मिनट की खबर मिल रही है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन? मैं आपका असिस्टेंट। अंदर आ सकता हूँ? आओ। थैंक यू सर। क्या बात है? सर, तार पढ़ो। पहला तार है, दक्षिण घाट, सुबह के 7:11। एक खेत में बहुत सारे गड्ढों को हाथी के पांव का निशान समझकर पूर्वी दिशा में 3 मील तक पीछा करता रहा। 3 मील बाद ये गड्ढे खत्म हो गए तो अंदाजा लगाया कि हाथी पश्चिम की तरफ चला गया होगा। अब उल्टी दिशा में पीछा कर रहा हूँ, काला जासूस। देखा आपने, हम हर काम कितनी बाकायदगी से करते हैं। सर, दूसरा तार पढ़ो। खंडाला, सुबह के 7:44। अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। सोडा वाटर की एक फैक्ट्री टूटी पड़ी है। सोडा वाटर की 517 खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हाथी की प्यास अभी नहीं बुझी। हो सकता है यहाँ से 5 मील दूर दूसरी फैक्ट्री में सोडा वाटर पीने जाए। खोटा जासूस। बहुत खूब, बहुत खूब। तीसरी रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट, खलियान नगर, 8:37। रात को एक पूरा का पूरा खेती साफ हो गया। मुझे शक है हाथी भूखा होगा। खाना खाने के लिए होटल पर जा रहा हूँ, वहां से हाथी के पीछे जाऊंगा। मोटा जासूस। ये बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाला जासूस है। अगली रिपोर्ट। यस सर। फूटा नगर, 9:32। सारा शहर चकनाचूर पड़ा है। हाथी को शहर में घुसते सबने देखा है, निकलते किसी ने नहीं देखा। हाथी एक घोड़े, सिपाही और बिजली के खंबे से टकराया था। घोड़ा और खंबा चूर चूर हो चुके हैं। सिपाही का एक टुकड़ा बहुत मुश्किल से मिला तो पता चला कि हाथी रेल नगर की तरफ मालगाड़ी में सवार होकर चला गया है। मैंने भी रेलवे लाइन के साथ साथ भागने का फैसला कर लिया है। तेज जासूस। देखा आपने, अब वो पूरी तरह मेरे घेरे में आ चुका है। मेरे जासूसों से बचकर वो कहां जाएगा? सच? मेरा हाथी मुझे मिल जाएगा? मुझ पर भरोसा रखिए जनाब, दबंग जासूस हमेशा हर काम पूरा करके दिखाता है। रिपोर्ट। सर, ये तार सर्कस कंपनी के मैनेजर का है। सर्कस कंपनी? पढ़ो। लिखते हैं, जब तक हाथी आपकी पकड़ में ना आए, सर्कस के पोस्टर चिपकाकर उस हाथी को इश्तेहारबाजी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दें। हम उसकी फीस 2,000 रुपए सालाना के हिसाब से देने को तैयार। मेरी इतनी तौहीन? मैनेजर के बच्चे ने मुझे समझा क्या है? असिस्टेंट। ये सर। फौरन मैनेजर को तार भिजवा दो, 5,000 रुपया सालाना से एक पाई कम ना होगी। ऑल राइट सर। 5,000 रुपए सालाना? क्या उसका ख्याल है वो साल भर के लिए? अजी, वो मैनेजर बड़ा काया आदमी है, आप देखते रहिए, तार घर में बैठा इंतजार कर रहा होगा। यूं तार गई और यूं जवाब आया। सर, तार। देखा? पढ़ो, क्या लिखा है? लिखते हैं, सौदा मंजूर है, सर्कस मैनेजर। देखा आपने। अजी, मैं कोरा जासूस ही नहीं, बिजनेसमैन भी हूँ। सर, तार मशीन गर्म हो गई है। और मेरे जासूस? सब थक कर चूर हो चुके हैं। ठीक है, सब लोग आराम करें, बाकी मामला कल निपटा लेंगे। लेकिन कल तक तो... आप बेफिक्र रहिए जनाब, काम तो आपका आज ही हो जाता अगर इनाम की रकम ठीक होती। ओह, अगर जरूरी है तो? बहुत जरूरी है साहब। असिस्टेंट। ये सर। इनाम की रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दो। ये सर। आज कोई सुराग मिला? मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं जनाब, मगर हालात अभी तक वही हैं जो कल थे। मैं समझता हूँ इनाम की रकम और बढ़ा दीजिए। हाँ लड़के। यस सर। इनाम की रकम बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाए। यस सर।
आज भी हाथी नहीं मिला। पिछले 4 दिनों की दौड़ धूप यूं ही बेकार नहीं गई जनाब, हमने काम किया है और मेरा एक जासूस बेचारा जरा सी भूल करके अपनी जान से हाथ धो बैठा है। वो कैसे? बेचारा बहुत मेहनत से खेत में जमीन पर लेटकर रेंग रेंग कर खुर्दबीन से घास के एक एक तिनके को देख रहा था कि हाथी के पांव ने उसकी कमर को 2 टुकड़े करके उसको चूर चूर कर दिया। ओहो, उसकी भूल सिर्फ इतनी थी जनाब कि वह हाथी के आगे आ गया था। मुझे बहुत अफसोस है। ये तो चलता ही रहता है, मगर आज सुबह मुझे एक नई तरकीब सूझी है। वो क्या? कॉम्प्रोमाइज, यानी सुलह करनी। सुलह? लेकिन किससे? इस इलाके में 2 मशहूर चोर हैं, काला चोर और लाल चोर। मैं अभी उनके घर तार भिजवा देता हूं कि 1 लाख रुपए का इनाम आधा आधा बांट लेंगे, हाथी आपको वापस मिल जाए। आधा आधा? हमारे यहाँ यही रिवाज है जनाब, आधा चोर का आधा जासूस का। यानी आपका? देखिए ना, आखिर हम लोग कितने जान जोखिम का काम करते हैं। चलिए ये भी कर देखिए, मुझे तो अपना हाथी चाहिए। लड़के। यस सर। देखो, काला चोर और लाल चोर दोनों को तार कर दो, हम आधे इनाम पर सुलह करने को तैयार हैं। यस सर। सर क्या बात? दोनों चोरों के घरों से तारों के जवाब आ गए। सच? क्या लिखा है? पढ़ो। पहला तार है काले चोर का। लिखा है, जनाब दबंग साहब, सारे शहर में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि काला चोर को मरे हुए आज 10 साल हो चुके हैं। तार भेजने वाली है श्रीमती काला चोर। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक वो अभी तक जिंदा है। खैर, दूसरा तार पढ़ो। जी, इस तार में लिखा है, आपकी काबिलियत का भी कोई जवाब नहीं है दबंग साहब। देखा। खैर, आगे पढ़ो। आपसे बढ़कर बेवकूफ शायद ही कोई दूसरा हो जो ये भी नहीं जानता कि लाल चोर बेचारा पिछले 10 साल से उम्र कैद भुगत रहा है। तार भेजने वाली है श्रीमती लाल चोर। सर, एक नई रिपोर्ट पढ़ो। कड़ाका नगर, शाम के 6:30 बजे, हाथी पर सर्कस के पोस्टर चिपके हुए थे। उस पर सर्कस के जोकर के नाम के हिज्जे गलत थे, इसलिए हाथी को पहचानने में जरा देर हो गई। इतनी देर में हाथी एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में घुस गया और धमाके के साथ हाथी के परखचे उड़ गए। सुबह से हाथी के टुकड़े जमा कर रहा हूँ। तार भेजने वाला 0000 जासूस। वो मारा। देखा साहब, देखा आपने हमारा कमाल। मैंने कहता था कि मेरे आदमियों के हाथों से आज तक कोई नहीं बच सका। लेकिन अच्छी, लेकिन वेकिन छोड़िए। असिस्टेंट। यस सर। तमाम जासूसों को वापस बुला लो। यस सर। आज शाम एक शानदार दावत का इंतजाम करो। ऑलराइट सर। दावत? हाँ जनाब, आखिर मेरे जासूसों ने इतना काम किया है और फिर 1 लाख रुपया भी तो उन सब में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन मेरा हाथी? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए जनाब, सुबह तक उसका एक एक टुकड़ा आपको सही सलामत मिल जाएगा। सर, एक तार और आया है। पढ़ो। सागर तट, सुबह के 11:30 बजे, हाथी का पीछा करते करते सागर तट तक पहुंच गया हूँ। शायद हाथी समुद्र में तैर गया है। मैं किश्ती का इंतजार कर रहा हूँ, मिलते ही पीछा करूंगा। वाई जासूस। ओ, इसे वापस बुला लो। मगर सर, समुद्र में तो कोई तारघर ही नहीं है। चलो तो कोई बात नहीं, महीने बाद तनख्वाह लेने आएगा तो उसे हाथी मिल जाने की खबर दे देना। यस सर। लीजिए साहब, आपका काम हो गया, शाम को दावत में जरूर आइएगा। वो 1 लाख रुपए का इनाम भी अपने हाथों से ही बांट दीजिएगा और ये हमारा बिल। बिल? कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 35,397 रुपए 21 पैसे, और मैंने इसमें आपको 10% की कटौती भी दे दी है। जी जी, शुक्रिया। एक बात और। जी, वो क्या? अपने महाराजा साहब से हमारी काबिलियत का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपकी काबिलियत का तो मैं कायल हो चुका हूँ। अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटिका सफेद हाथी की चोरी। ये था मार्क ट्वेन की कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक थे सत्येंद्र शरद।